पीएमक्यू प्लेयर है, पीएमक्यू प्लेयर है। अरे पीएमक्यू प्लेयर है, हेलो क्लब ओपन, हेलो ब्रो मलेशिया यारों ने तेरे वास्ते क्या क्या नहीं किया। अरे निकल लौड़े, पीएमक्यू प्लेयर है तू, क्या बात है, क्या हो गया भाई। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और अपन आ गया यार एक और नया सोलो रैंक पुश गेम प्ले लेके। अब रैंक पुश तो क्या ही बोले यार, कॉन्कर हो चुका है काफ़ी से, और बहुत सारे बंदे ऐसा कमेंट कर रहे थे टॉप 100 में आ जाओ। भाई टॉप 100 में हूँ जब भी तो मैं वीडियो बना रहा हूँ, अदरवाइज मैं वीडियो ही नहीं बनाता, क्योंकि टॉप 100 में भाई बहुत ही अच्छी अच्छी लॉबीज आती है, यानी कि काफ़ी अच्छे अच्छे प्लेयर्स आते भाई, आउट ऑफ कंट्री के भी प्लेयर्स आते। अब ये जो बॉट है मैंने कैसे मारा इसको, तुम सोचो कि तुझे कैसे पता यहाँ पर बॉट है, तुम सोचोगे भाई हैकर है ये। अब हैकर बोल के मेरी बेइज्जती मत करो यार, हैकर से कुछ बुरी चीज़ होती है तो वो बोल दो। अब मैं बोल रहा था भाई, मतलब टॉप 100 में ऐसी लॉबीज मतलब आउट ऑफ कंट्री के भी प्लेयर्स आते हैं, तो जैसा अभी ये एरोप्लेन में बोल रहा था कोई पीएमसीओ प्लेयर आ चुका है, वो तो ऐसे बोल रहा था जिससे वो उसका चाचा मामा और बुआ का लड़का हो, मतलब क्यों इतनी तरफदारी कर रहा था। पीएमसीओ प्लेयर है तो मैं हम क्या कर रही हूँ बताओ, है भी तो क्या उखाड़ लेगा हमारा, मतलब कि मजाक कर रहा हूँ, क्या बताऊँ उनको किल भी कर दे आगे जाके। तो देखते भाई क्या होता है, पीएमसी प्लेयर कैसे खेलते हैं हम भी देखते हैं। और फिलहाल ये वाले कंपाउंड में आने के बाद लूट तो करेंगे, बैठेंगे नहीं इस कंपाउंड में। और हेल्थ किट मिल गई है हमें, मतलब मिनिमम लेवल 2 के हेलमेट वेस्ट चाहिए और 100-100 गोली काफ़ी है। अब ये वाले घर में मुझे अच्छी खासी लूट मिल जाती है भाई, ऑटो गन स्कारल, और उसके बाद मैं थोड़ी देर होल्ड करता हूँ और यहीं पे वेट करता हूँ अगले जोन्स का, मतलब बंदित का। तो भाई दो जोन मैंने निकाल लिए एक दूसरे कंपाउंड पर जाके, इतने में तीसरा जोन मतलब क्लोज इन हो चुका है, ये देखो अभी बन गया नेक्स्ट जोन। तो मैं यहाँ से जाता हूँ भाई सीधा सेंटर में, और मैं मतलब गाड़ी चलाते चलाते मैं नक्शा खोल के उसके अंदर निशाना लगा देता हूँ, और देखो भाई अभी मैं जाने वाला हूँ सीधा सेंटर में, जिससे कि हमको मतलब अगले बनने वाले जोन्स में एडवांटेज मिल सके और हम किसी दुविधा में ना पड़े। मतलब बिना जोन्स के, मतलब आपके ऊपर जोन नहीं हो तो आप बहुत बड़ी दुविधा में रह जाते हो बहुत बार। अब हमेशा जोन प्रेफर करो, और अगर जोन में कंपाउंड के अंदर कोई बंदा है तो उससे फाइट लो, क्या कर सकते हैं। अब इसके अलावा अब देखो ये वाले कंपाउंड पे जाने के बाद सबसे पहले मैं राउंड लगा लेता हूँ कोई बंदा है या फिर नहीं है, मैं अगर होता तो यहाँ से भग जाता। तो अब मुझे कोई बंदा दिखा नहीं, अब ऐसा नहीं है कि मेरे को कोई बंदा दिखा नहीं तो हो नहीं, मतलब होगा ही नहीं यहाँ पे भाई, बहुत ही तगड़े हैं, मतलब जिनको कोई स्पॉट भी नहीं कर सकता, ऐसे ऐसे बंदे छुपे रहते हैं। तो मैंने एक बार फिर से चेक कर दिया पूरी तरीके से, और अगला जोन बनने तक का वेट किया, और अगला जोन बन ही चुका है जो कि बिल्कुल ओपन में, यानी कि जो जो छोटे छोटे कंपाउंड है वहाँ पर ऑलरेडी बंदों ने कब्जा कर रखा होगा, और वहाँ पर जाकर अगर आप फाइट लोगे ना तो थर्ड पार्टी होने का फुल चांसेस है, इसलिए मैं वहाँ पे जाके फाइट बिल्कुल नहीं लेता हूँ। और किस तरीके से यहाँ पे अपन सर्वाइव करते हैं, यानी कि जोन में एक जगह होल्ड करूँगा या फिर कैसे मैं मतलब आगे सर्वाइव करूँगा, बस देखते जो है यार, मतलब तुम्हारे बहुत ज़्यादा काम आएगा। अब ज़रूरी नहीं है कि ये सिचुएशन आपके साथ भी होगी, लेकिन किसी न किसी एंगल से भाई काम ज़रूर आएगा। अब यहाँ पे अपनी गड्डी घुमा के भाई बहुत अच्छे तरीके से स्काउट कर रहा था कि कहाँ कहाँ बंदे हैं, और ऐसा ज़रूरी नहीं है कि भाई अगर जोन के अंदर कोई कंपाउंड है तो वो हमेशा ही मतलब एक्वायर किया हुआ होगा किसी बंदे के द्वारा, भाई कभी कभी यार बंदे सोचते हैं कि वहाँ पर कोई होगा तो वो जाते ही नहीं है, तो भाई चेक तो करना पड़ेगा अपन को। और मैं चेक करता हूँ तो मुझे निराशा लगती है, कोई भी बंदा मतलब कोई भी कंपाउंड खाली नहीं था, इतने मेरी बग्गी का जो तेल था वो ख़त्म हो जाता है, मैं रिफ्यूल करने लग जाता हूँ, और ये बग्गी वाला चौहा जो भाई फाइट नहीं लिया, वरना थोड़ा बहुत नुकसान भी हो सकता था। और देखो भाई यहाँ से अभी हमको फिर से स्काउटिंग करनी पड़ेगी, और मैं अपनी बग्गी घुमाता रहता हूँ।
अब जैसा कि मैंने बोला है भाई, एंड जोन में जो भी ड्रॉप अगर आपको दिखे तो भाई वो लूट लिया करो, क्योंकि वहाँ पर आपको मतलब कोई गोली मारने वाले बहुत ही कम बंदे मिलेंगे। और सबसे पहला जो ड्रॉप होता है वो मतलब सबसे पहला और एंड जोन्स वाले ड्रॉप हुए, इतना ज़्यादा रिस्क नहीं रहता है। और उसके बाद बंदे मतलब लूट वूट करके सब रेडी हो जाते हैं भाई फाइट लेने के लिए। इसलिए भाई मिड मतलब जो मिड सेशन वाले ड्रॉप्स होते हैं उनको अवॉइड किया करो हमेशा। और यहाँ पर देखो भाई, यह जो एरिया है भाई ये मतलब काफ़ी एंगल से कवर में था, और यहाँ पर थोड़ी देर में मतलब टाइम वेस्ट कर रहा था जब तक अगला जोन बने। और मुझे यहाँ पर एक वही प्लेयर जो PMZO प्लेयर था वो दिखने वाला है, जो कि मोटरसाइकिल लेके धूम मचा रहा था। अरे अरे PMZO प्लेयर है, PMZO प्लेयर है, अरे PMZO प्लेयर है। तो भाई यहाँ पर वो बंदा मारा जा चुका है, जो कि मतलब पहले तो मैंने फायर मिस किया, पता नहीं कैसे फायर मिस हुआ, मुझे समझ ही नहीं आया। PMZO प्लेयर था या नहीं था मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता, अपने को अपने गेम प्ले से मतलब है। तो भाई यहाँ से हमको नेक्स्ट जोन के लिए सीधा मूवमेंट देना पड़ेगा, और मैं चलता हूँ फिर से स्काउटिंग करने। और इसलिए भाई गड्डी घुमाना सबसे बेहतर है, और देखते भाई क्या सीन होता है यहाँ पे, कैसे सर्वाइव करते यार, देखने लायक चीज़ है। यहाँ पे हो जाती है भाई दो बंदों के बीच में फाइट, जो कि मैं नहीं चाहता था। मतलब मैं किसी से 1v1 फाइट ऐसे नहीं ले रहा था, क्योंकि मुझे पता था भाई थर्ड पार्टी होगा और मैं इसी चीज़ का वेट कर रहा था। यहाँ पे दोनों बंदे मतलब ख़त्म हो गए, ये एरिया साफ हो गया। अब सबसे पहले आके यहाँ पे स्मोक कर देते हैं कि कोई और भी बंदा ना आ जाए। अब जितने भी स्मोक मैं कर सकता था, जहाँ जहाँ से एंगल बनता था मेरे पे वो कर देता हूँ। और पीछे जो एरिया है रिज वाला, वहाँ पर एक गाड़ी आके रुकी, तो एक बार ग्रेनेड करके चेक करना तो पड़ेगा। और राइट साइड मतलब सब तरफ बंदे ही बंदे, मैं राइट लेफ्ट क्या बोल रहा हूँ। अब इस मौके पे ये धूम मचाने वाले भाई का अलग ही स्वैग है। मतलब सभी के पास तो कवर वाली गाड़ी है, लेकिन इसका कुछ समझ नहीं आ रहा है, इसको कब कौन बंदा कैसे मारेगा कुछ हवा ही नहीं लगी। लेकिन कोई नहीं, उसकी मर्जी, उसकी लाइफ, उसकी रैंक पुश, उसका पबजी। तो यार देखते हैं आगे क्या सीन होने वाला है, क्योंकि 11 बंदे अभी भी अलाइव हैं और जोन भाई छोटे से छोटा होता जा रहा है। अब मतलब इस तरफ काफ़ी बंदे जो कि फाइट कर रहे थे, उसमें से एक बंदे को मैं किल कर देता हूँ। और पीछे की तरफ रिज है, वहाँ पे भी कोई बंदा अभी भी है, तो वो मेरे लिए दिक्कत पैदा ना कर सके, इसलिए उसकी तरफ से मैं कवर में रह रहा था। और अभी मुझे कुछ ओवर कमिट करने की ज़रूरत नहीं, अभी जस्ट मेरे पास कवर है अच्छा खासा, तो उसे यूटिलाइज करना पड़ेगा, करना बेहतर है यहाँ पर अभी। क्योंकि भाई जितना आपके अंदर पेशेंस होगा, मतलब आपके लिए मैच निकलना उतना आसान रहेगा।
तो भाई इस बग्गी वाले बंदे का स्टाइल मुझे पसंद आया, मतलब मर जाऊंगा लेकिन किल नहीं दूंगा। अब भाई रिफ्लेक्स विफ्लेक्स मार देना लेकिन जोन में आ जा। अब इसके अलावा ये बंदा भी मारा जा चुका है, मतलब बिना बंदे ने नाम वाले बंदे ने मार दिया। अभी तीन बंदे अलाइव है इस तरफ, जो स्मोक हो रखा है वहाँ पर मैं ऐसे ही रैंडम नेट करके देख रहा हूँ, और इस तरफ से जो भाई बग्गी वाला बिना नाम वाला बंदा है क्लोज इन कर रहा है शायद से, तो उस पर मैं ग्रेनेड करके देखता हूँ भाई कहीं तो कैसे ही मर जाए, क्योंकि भाई मुझे उसकी लोकेशन तो एग्जैक्ट मालूम है नहीं। और वो बंदा हमें स्पॉट हो रहा है, एक बार मैंने फायर करने का सोचा लेकिन फिर से वो कवर में जा चुका था। तो अभी देखते भाई जो भी होगा, ग्रेनेड मैं पूरे ज़ोर से फेंकता हूँ लेकिन ये ग्रेनेड उसकी लोकेशन तक अप्रोच नहीं कर पा रहे थे, तो हम यहाँ से कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं कर सकते थे, हमें जस्ट वेट करना चाहिए क्योंकि 30 सेकंड अभी भी बाकी थे नेक्स्ट जोन को, और जोन हमसे दूर बन चुका है। अब यहाँ पे मैं बिना नाम वाले बंदे को स्पॉट तो करता हूँ लेकिन उसे कोई और ही बंदा मार जाता है, तो अभी एक ही बंदा अलाइव है और मैं कुछ मतलब नूबड़ों वाला काम नहीं करने वाला हूँ, सीधा 1v1 फाइट ले लेंगे क्योंकि टाइम वेस्ट हो रहा है फालतू ही। अब देखो भाई यहाँ पे क्या होता है, पर मैंने इंस्टेंट रिफ्लेक्स दिखा कि भाई बंदे को स्पॉट कर तुरंत फायर दिया लेकिन मैं कवर में आने के बाद मारा, तो भाई मुझे नहीं पता होगा कि मैं कवर में आया कि नहीं आया, तो भाई ये पेड़ पर गोली कैसे लग गई मेरी, मैं इसे हैकर नहीं कह रहा हूँ, गलती मेरी ही है, मैं हूँ ही नूब। तो कोई नहीं यार, अगर गेम प्ले पसंद आया हो तो भाई वीडियो को लाइक करना मत भूलना, और अगर तुम जाओ तो भाई सब्सक्राइब भी कर सकते हो मेरे चैनल को, और अपन मिलते यार एक और नए सोलो कंक्वेरर टॉप लीग गेम प्ले के साथ, तो चलो यार बाय। Maybe it's just the way we were, maybe it's just the way I am, maybe it's that feeling every time I got to